नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनगरी इंडिया न्यूज़। नवीन आदर्श विद्या मंदिर पिंडवाड़ा ने मंगलवार को परीक्षा का परिणाम घोषित किया, जिसमें कक्षा LKG, UKG, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सेवन्थ और नाइन्थ में कुल 950 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें से 915 उत्तीर्ण रहे। पूरे विद्यालय का रिजल्ट 96% रहा। इस अवसर पर नवीन आदर्श विद्या मंदिर पिंडवाड़ा प्रबंध समिति के पदाधिकारी दर्जिंद पुरोहित, अचलाराम वीरवाड़ा, कार्यक्रम के अध्यक्ष गजाराम गरासिया, मुख्य अतिथि अरविंद प्रधानाचार्य, मदनलाल रावल, सोमाराम उपस्थित रहे। वहीं प्रधानाचार्य ने सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और कहा प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना है, जिसके द्वारा ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण हो जो हिंदुत्व निष्ठ एवं राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो, शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण विकसित हो तथा जो जीवन की वर्तमान चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर सके और उसका जीवन ग्रामों, वनों, गिरिकंद, आरू और झुग्गी झोपड़ियों में निवास करने वाले दिन दुखी, अभावग्रस्त, अपने बंधनों को सामाजिक कुरूतियों, शोषण एवं अन्य से मुक्त कराकर राष्ट्र जीवन को समरस, सुसंपन्न एवं संस्कृत बनाने के लिए समर्पित हो। यह हमारे विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान का लक्ष्य है, जो प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। देवनगरी इंडिया न्यूज़ से जुड़ने के लिए धन्यवाद।